आगे बढ़ते हैं। अबूझमाड़ के जंगल में मुठभेड़ के बाद सभी 8 नक्सलियों के शव को लेकर सुरक्षा बलों के जवान दंतेवाड़ा वापस लौटे हैं। ऑपरेशन जल शक्ति के तहत नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा से जवान अबूझमाड़ के जंगल में बड़े नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर सर्चिंग के लिए निकले थे और जंगल में जवानों को देखकर नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों की जवाबी कार्रवाई में 8 नक्सली ढेर कर दिए गए और सभी नक्सलियों के शवों को लेकर जवान वापस लौट चुके हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के हथियार, नक्सल सामग्री और उनके शवों को लेकर हमारे सुरक्षा बलों के जवान देखिए कितनी कठिनाई से नदी पार कर वापस लौट रहे हैं। इंद्रावती नदी बताई जा रही है जिसको पार कर हमारे जवान वापस लौटे हैं। तो एक विजयी ऑपरेशन, कामयाब ऑपरेशन। मुठभेड़ से सूचना मिलने के बाद हमारे सुरक्षा बलों के जवान वहां पर पहुंचे थे। लगातार आमने सामने की गोलीबारी हुई थी। 8 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है और उनके शवों को लेकर हमारे सुरक्षा बलों के जवान नदी का सीना चीरते हुए वापस दंतेवाड़ा लौट रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इंद्रावती नदी को पार कर जवान वापस लौटते हुए तस्वीरें, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप हमारे जवानों को नदी पार करते हुए देख सकते हैं और दूसरी तस्वीर में ये वो तमाम नक्सल सामग्री है, वो हथियार हैं जो इन जवानों से बरामद किए गए हैं, माफ कीजिएगा, इन नक्सलियों से बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई है और एक कामयाब ऑपरेशन रहा है सुरक्षा बलों का। 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया और हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से कोई भी किसी भी तरीके की कोई हानि नहीं हुई है, कोई भी किसी को खरोंच तक नहीं आई है। बेहद कामयाब और सफल ऑपरेशन रहा है। तो कब कब कितने नक्सली ढेर हुए हैं इसकी जानकारी भी आपको दे रहे हैं। 25 फरवरी को 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। 27 मार्च को ऑपरेशन में 6 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया। 2 अप्रैल को 13 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। 6 अप्रैल को 3 नक्सलियों को ढेर किया गया और 15 अप्रैल को सबसे बड़ी सफलता 29 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। 29 अप्रैल को 10 नक्सलियों को ढेर किया गया और 10 मई को 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था। 23 मई को 8 नक्सलियों को ढेर किया गया है। तो लगातार ये कार्रवाई जारी है, लगातार हम आपको बता रहे हैं। 25 फरवरी को 3 नक्सली, 27 मार्च को 6 नक्सलियों को ढेर किया गया और ये लगातार कार्रवाई जारी है और इससे नक्सलियों के खेमे में बौखलाहट का माहौल है। सुबह से जो तीनों जिले के जो सीमावर्ती एरिया है, जो अबूझमाड़ का पूरा अत्यंत घने जंगल और पहाड़ी एरिया है, वहां पर जो है नक्सलियों के साथ इनकाउंटर शुरू हुआ और सुबह लगभग जो है 8:30 से शुरू हुआ और कई बार मतलब उनके साथ इनकाउंटर हुआ और ये लगभग जो है 5:30-6 बजे तक चला और उस अनुसार जो है कल टोटल फिर जैसे मतलब जो सर इनकाउंटर होने के बाद सर्चिंग अभियान चलाया गया तो उसमें टोटल 7 डेड बॉडी जो है माओवादियों का जो है इनकाउंटर में मारे हुए माओवादियों का शव बरामद हुआ। कैंप भी था वहाँ पर तो उसको भी ध्वस्त किया गया वहाँ पे पूरा ट्रेनिंग के लिए उनके रहने के लिए। उसमें लगभग 400 पेयर चप्पल भी बरामद हुआ जिसको वहीं पर मौके पर चप्पल जूता जो था मौके पर नष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त और भी कई सारा जो सामान बरामद हुआ था उसे भी नष्ट किया गया। कैंप में जंगल और पहाड़ में बताया जंगल पहाड़ जंगल और पहाड़ों में दंतेवाड़ा बीजापुर नारायणपुर का उस सीमा उस जंगल में जो है फाइटर और सीआरपीएफ के जवान संयुक्त ऑपरेशन पर थे और उस समय मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में वर्दीधारी, हथियारधारी 7 नक्सली और एक आज उसमें और स्पष्ट हुआ तो 8 ऐसे नक्सली मारे गए हैं। ये सुरक्षा बलों के शौर्य का के आधार पर है, उनके भुजाओं की ताकत के आधार पर है। विनम्रतापूर्वक सरकार अपील करती है कि नक्सली सारे, माओवादी सारे मुख्यधारा में जुड़े, अच्छा जीवन जिए। तो नई सरकार में बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ लगातार प्रहार से नक्सली संगठन बैकफुट पर आ गए हैं और जवानों के ऑपरेशन में बड़ी संख्या में नक्सली मारे जा रहे हैं। जवानों की कामयाबी से नक्सल संगठन अब सरकार से बातचीत करना चाह रहे हैं। नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के सदस्य प्रताप ने लेटर जारी कर सरकार से बातचीत का प्रस्ताव रखा है और सरकार से बातचीत के लिए माहौल तैयार करने की बात नक्सलियों ने पत्र में कही है। वही नक्सलियों की वार्ता प्रस्ताव पर डिप्टी सीएम ने कहा कि बंदूक छोड़कर बातचीत के लिए आए तो स्वागत है। नक्सलियों के खेमे में भगदड़ का माहौल है और इसी को लेकर
अब नक्सलियों की तरफ से पत्र भेजा गया है और बताया गया है कि बिना शर्त वार्ता के लिए तैयार है। जो भी बात करना चाहे, सेंट्रल कमेटी बात करती है, एक मुश्त हल निकलता है, स्वागत योग्य है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने यही कहा है, माननीय विश्वदेव साय जी ने यही कहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और मैं उनके बातों के को आगे ले जाते हुए यही कहना चाहता हूँ। और अगर कोई समूह भी उसमें बात करना चाहे तो भी सरकार तैयार है। तो नक्सलियों को लेकर नई पुनर्वास नीति बनाने पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि सरकार कौन सी पुनर्वास नीति बनाएगी। गृहमंत्री विजय शर्मा पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि विजय शर्मा पहले तय कर लें कि उन्हें क्या करना है। आपको इतने साल हो गया आप पुनर्वास नीति की बात कर रहे हैं, सारे जितने भी आके सरेंडर किए हैं तो पुनर्वास नीति के कारण से हैं। उन लोगों के जो इनके शासनकाल में जो सरेंडर किए थे उनको मकान तक नहीं मिला था। दंतेवाड़ा हमने फ्लैट बनवाया, चाबी सौंपी, राज्यपाल के साथ हम लोग गए थे, देवती कर्मा साथ में थी, सब लोगों को चाबी हमने सौंपा, घर भी दिया, जमीनें भी दी, सब कुछ हम लोगों ने किया। और क्या कौन सी पुनर्वास नीति बनाएंगे? और बोले उनसे बात करेंगे, सबसे पहली बात तो ये है कि विजय शर्मा जी तय कर ले, जिस दिन गृह मंत्री बने उन्होंने क्या कहा, नक्सली से हम बात करेंगे। फिर वो कहें नक्सली मुझसे टेलीफोन से भी बात कर सकते हैं, बोला था ना, कितने टेलीफोन में नक्सलियों ने बात की, टेलीफोन में कितने बार उनका फोन आया बताया प्रदेश को। दूसरी बात ये कौन नक्सली मीटिंग करने के लिए, क्या आपने प्रयास किया, हुआ नहीं हुआ। तीसरी बात यह, अब नक्सली सरेंडर नीति